पसीना और शरीर से बदबू आना बिल्कुल नेचुरल है, पर अगर आपको दुकान से खरीदी हुई डिओड्रेंट्स पसंद नहीं और आप एक नेचुरल अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं जिससे आप हमेशा फ्रेश रहे, तो पेश है 5 आसान और नेचुरल तरीके। दो टेबलस्पून बेकिंग सोडा और 2 टेबलस्पून एरोरूट पाउडर को 2 से 3 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल के साथ मिलाकर उसमें अपना पसंदीदा एसेंशियल ऑयल मिलाएं। हमने रोजमेरी और पेपरमिंट चुना है क्योंकि रोजमेरी एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक है और पेपरमिंट ठंडा और ताज़ा है। कोकोनट ऑयल एंटी फंगल है और इससे आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। बेकिंग सोडा बदबू दूर करेगा और एरोरूट पाउडर नमी सोखेगा। इस मिक्सचर को फ्रिज में रखें और थोड़ा सा लेकर अपने अंडर आर्म्स पर लगाएं डिओड्रेंट स्टिक की तरह। एप्पल साइडर विनेगर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये अनोखा इंग्रेडिएंट शरीर के पीएच लेवल को बैलेंस कर बदबू वाले बैक्टीरिया को दूर करता है। एक कॉटन पैड पर थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर लेकर अपने अंडर आर्म्स पर शावर लेने से पहले लगाएं। इससे आपके अंडर आर्म्स से बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी। क्या आप जानते हैं आप अपना पसंदीदा नेचुरल बॉडी मिस्ट बना सकते हैं? 1/4 कप उबले हुए पानी को अपने पसंदीदा एसेंशियल ऑयल्स के साथ मिलाएं। हमने लिया है लैवेंडर क्योंकि ये रिलैक्सिंग है और उसमें मिलाया है ग्रेपफ्रूट क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल है और इसकी सुगंध फ्रूटी है। इससे एक स्प्रे बॉटल में डालें और जब चाहे लगाकर अच्छी सुगंध पाए। इसे इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से शेक करें। अगर आपको ज्यादा खुशबू वाले और केमिकल्स वाले पाउडर्स पसंद नहीं तो ये हैक आपके लिए है। बेकिंग सोडा बदबू भगाता है और कॉर्न स्टार्च नमी और पसीना सोख लेता है। बस 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा और 6 चम्मच कॉर्न स्टार्च मिलाएं और ये पाउडर वहां लगाएं जहां आपको पसीना ज्यादा आता है। गुलाब जल और विच हेजल एक नेचुरल टोनर है, पर ये अंडर आर्म्स पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। गुलाब जल इरिटेटेड त्वचा को शांत करेगा और विच हेजल एक नेचुरल एस्ट्रिंजेंट है जो पोर्स को छोटा कर पसीना रोकेगा। 1/4 कप विच हेजल और 1/4 कप गुलाब जल मिक्स करें और कॉटन पैड पर लेकर लगाएं या एक स्प्रे बॉटल का इस्तेमाल करें। अगर आप उन केमिकल्स वाले डिओड्रेंट्स के बिना अपने अंडर आर्म्स को फ्रेश रखना चाहते हैं तो ये तरीके जरूर अपनाएं। Until next time, stay tuned and stay glamorous.